अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान अबीरा खान और सीजी प्रोग्राम में वेलकम हो गया। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लॉर्ड्स ऑफ फूड। तुसी देख के हैरान हो गए होने कि अबीरा कितने आ गई है। हाँ जी, मैं लॉर्ड ऑफ फूड आई हूँ अज प्रोग्राम करने थे। लोगों को सवाल करांगी, जुगता मारांगी ते पूछांगी की लोग खाना आया। चलो चलिए लोगों वाला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की करना है तुसी? मैं खाना खाना ही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। कार रोटी नहीं लगती थोनू? नहीं ना, इसलिए आज हम बस इधर आ गए। घर वाले नहीं पूछते? पूछते हैं, लेकिन कभी कभी बाहर से भी खाना चाहिए। हाँ ये तो है। की कर दे तुसी? मैं मेडिकल कॉलेज से DPD कर रही हूँ। नो की हुंदा? डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। मैं कब तन DPD सही कर दे? अजीब अजीब नाम। नहीं नहीं, DPD। और की कर दे? उसमें हम लोग विदाउट सर्जरी असिस्टेंट से थेरेपी के थ्रू पेशेंट्स को विद टेक्निक्स हम लोग उसको क्योर करते हैं, लेकिन मेडिसिन और सर्जरी के थ्रू नहीं करते। अपने डॉक्टर्स खुद से अपनी टेक्निक्स और वो जो डिफरेंट जेडी अब कुड़ियां सर्जरी करवांदियां वा फेस दी या बॉडी दी, वो भी तुसी बगैर सर्जरी तो सोना कर दें दे। नहीं नहीं, वो नहीं करते, वो तो डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं ना, वो मेडिसिन के थ्रू ही करते। की कर दे? हम वो बता तो रही हूँ ना मैं आपको कि बोन्स और जो जो हड्डी जोड़ दे हैं। हाँ, इन सिंपल लैंग्वेज हड्डी उड्डी जोड़ते हैं। ये तोड़नी होवे किसे दी? ये हड्डी तोड़नी होवे किसे दी? जी, जो नहीं अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो तोड़ भी देता है। जी, मैंने नहीं लग रहे सही, तो मैं तोड़वाना चाहती हूँ किसी दी हड्डियाँ। आपने ऐसे ही जज कर लिया, मैं आपको क्या कहूँ? आप आए कभी, फिर हम आपकी जोड़ के बताएंगे। तोड़ के दसू के हड्डी टूट दी है। एक्चुअली मैं चाहती हाँ कि आज मेरे प्रोड्यूसर की एक अद्धी हड्डी टुटे ही टुटे, तो तुम कि हड्डी आसानी ना तोड़ सकते दसो मैनू? मैं हर हड्डी तोड़ सकती हूँ। बच जा अज। अच्छा चलो, मेरे सवाल का जवाब तुम देना। तुम मैनू दसना वा थोड़े को 3 कप और चीनी आ, एक तुम चुक लिया, इनू मगरों ला दो तो शायद मैं कुछ बद सवाल बदला ना बदला, मैं प्रोड्यूसर बदलनी है लाजमी। तुसी दसना किरी शै वा जिन्हों असी कटते हैं बोंदे नहीं, मतलब उगाते नहीं पर वड दिंदे हैं? इंसान, मतलब अगर हम इंसान को कब्र में उतार देते तो वापस उसे ला नहीं सकते? नहीं नहीं आता। कितने इंसान वड्डे हैं तुसी आज तक? नहीं आता मुझे। इसको मैं हार गई। मैं हार गई। चलो एक और सवाल तुसी दसना वा, क्योंकि नहीं खाने वाली शै वा पुट्टी लिखो सीधी लिखो एक जैसी रहती। पुट्टी लिखो ये भी नहीं आता। जब अपनी पुप्पी का नाम ला लेना होनी है। दैट्स सो फनी। नहीं पता, उसको मैं हार गई। हाँ मैं हार गई। कोई गाना वगैरह आता थोनू? नहीं, गाना तो नहीं आता मुझे। टैलेंट हैगा? टैलेंट ये कि हम पढ़ लेते हैं बहुत सारा। कादा टैलेंट है तो हर कोई पढ़, मैं भी मैसेज पढ़ लेती दिन रात, ये कादा टैलेंट है। नहीं टैलेंट, गाना तो नहीं आता मुझे। गाना नहीं आता? चलो इन्होंने कोई भी जवाब सानू नहीं ना दिता सी। चलो वधिया हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की करना है तुसी इत्थे? खाना ही खाने आने। मेरे नाल अपने पेरेंट्स के साथ और बहन भाई। फजूल सवाल नहीं बनता मुझे। रेस्टोरेंट विच बंदा की करन आ सकता, खाना खाने आ सकता वा? आज की मूड सी खांदा थोड़ा? मेरा कुछ खास नहीं। अच्छा कुछ खास नहीं, उंजी आ गए। हां जी। तुसी खांदे पींदे घट हो? खांदे पींदे घट हो? नहीं। ना खांदे हो? मीडियम। खुश किस्मत कुड़ियां वा जिन्हां नूं लगदा नहीं कसमें, ये खाई भी जानी लगता भी नहीं है। अच्छा की करते की हो तुसी? मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। की पढ़ रहे हो? मैं FSC प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर। की बनना चाहते हो? डॉक्टर इंशाल्लाह। किरी? कोई डिसाइड नहीं है। अरे पता भी नहीं किरी डॉक्टर बनना? नहीं ना बंदे दा के मैं मतलब दिल दी डॉक्टर, दिमाग दी डॉक्टर, जानवर दी डॉक्टर। अभी FSC तो कर लूं। हले माइंड बनाया नहीं उंज? नहीं। अच्छा फिर सही है, खुशी ना बन रहे हो या जबरदस्ती बन रहे हो? अपनी खुशी से। अच्छा फिर ठीक है। चलो मेरे सवाल का जवाब देना। तुसी दसना कीरी शै वा जिहड़े असी ना बोंदे नहीं, बीजदे नहीं, मतलब कटदे आ? बोते नहीं है और काटते हैं, पता नहीं सोचो तो सही।
दांत नहीं वो क्या होता है वो की हुंदा वा बिल अच्छा बिल नहीं बिल नहीं नहीं मुझे नहीं पता इसको मैं हार गई हार गई चलो एक और सवाल तुसी दसना वा के ओ अच्छा ठीक है तू बोल ले पहले इसे तुसी दसना थोड़े ना आगे तीन कप पे है तीन ना चीनी है ठीक है एक तुसी चुक लिया बाकी थोड़े को पीछे किने रह गए तीन ही पकड़ा ही है ना कौन सा पी लिया मैंने उसको नहीं एक तुसी चुक लिया ते पीछे थोड़े को किने है तीन ही है नहीं दो हो गए फिर नहीं कभी नहीं है मेरे आगे है गे सोचना वा सोच में क्या रखा है नहीं दसो ना किन्ने रह जाएंगे दो नहीं एक सारे अच्छा जवाब देते दो तीन एक रहेगा सो भी कह दिता ले एक ही गल हुई एक गंज रह जाएगा क्योंकि एक ही उठाया वही रह जाएगा हाथ में हाँ सही है जवाब आज अगर सुनाना चाहते हो कोई टैलेंट हो थोड़े च एक सोच अकल से फिसल गई मुझे याद थी के बदल गई मेरी सोच थी के वो ख्वाब था मेरी जिंदगी का हिसाब था मेरी जुस्तजू के बरक्स थी मेरी मुश्किलों का वो अक्स थी मुझे याद हो तो सोच थी ना याद हो तो गुमान था मुझे बैठे बैठे गुमा हुआ गुमा नहीं था खुदा था वो मेरी सोच नहीं थी खुदा था वो खुदा की जिसने ज़ुबान दी मुझे दिल दिया मुझे जान दी वो एक ज़ुबान जिसे ना चला सकी वो एक दिल जिसे ना मना सकी एक जान जिसे ना लगा सकी कभी मिल तो तुझको बताएं हम तुझे इस तरह से सताएं हम तेरा इश्क तुझी से छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं हम तुझे दर्द दूँ तू ना सह सके तुझे दू जुबान तू ना रह सके तुझे दू मकान तू ना रह सके तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूँ तेरे दर्द की मैं दवा बनूँ किसी गर्ज के मैं सेवा करूँ तुझे हर नज़र पे उबूर दूँ तुझे ज़िंदगी का शऊर दूँ कभी मिल भी जाएंगे गम न कर हम गिर भी जाएंगे गम न कर तेरे एक होने पर शक नहीं मेरी नीयतों को साफ कर तेरी शान में भी कमी नहीं मेरे इस कलाम को माफ कर यकीनन है ना पागला दी डॉक्टरी बनेगी क्योंकि डी गहरी सोच ते शेरो शायरी जो इंसान करदा पागल हो जाता ओ शौक है तुहानू शेरो शायरी दा मैं अपनी डिबेट्स करती हूँ उसमें जो याद हो जाती हैं अच्छा चलो तुसी जवाब सही दिता तुहानू असी दिने तोहफा सैलून जांदे हो तुसी नहीं जाया ही अच्छा स्मार्ट कट सैलोन वाले ठीक है तुम उ जाके कुछ भी करवाओ बालों कुछ करवाओ मैं चाटे चुट्टे कटा लो मैं तो कहनी 30% डिस्काउंट मिलेगा ठीक है थैंक यू चलो वादिया अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम किदे नाल आए तुसी इत्थे हम अपने भाई के साथ आए हैं उसकी सालगिरह थी तो उसको मनाने के लिए आए हैं अच्छा की तोहफा लेके आए वैसे क्या तोहफा लेके आए हैं कोई खास तोहफा नहीं लाया उसको कहा कि पहले वो सालगिरह हमें खिलाए फिर उसको तोहफा देंगे देखा लालचना पहना होनिया कि नहीं तोहफा भी तो लेके आना चाहिए सी ना हां तोहफा रखा हुआ है उसके लिए वो घड़ी है तो फिर वो बाद में देंगे ये तुसी मैं भी ओरे ना नहीं आई हूं इथे एक तोहफे दे विच दोनी भुगता रही हां की कर दे तुसी दोनी मैं ते स्टूडेंट हां यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब विच ते मैं फार्मेसी पढ़ी पई हूं उथे ओ पढ़ के की बनना चाहंदे हो फार्मेसिस्ट और च की हुंदा और च असी दवाइयां नु स्टडी करने हां ते पढ़ने हां के जिस्म च उहनां दा की रोल हुंदा आउ जो हुण असी हो गया हुण अजे तुसी की करदे हो मैं टीचर हूं स्कूल में पढ़ाती हूं के अच्छा तुसी आपस च भैणा हो ना हां भैण अच्छा पढ़ाते हो तुसी अच्छा तुसी थानू कभी हुंदा नहीं कि बच्चे पढ़ा पढ़ा के थक जाना या कई न्याणे इन्ना तंग करदे आ कुटन नु जी करदा होवे नहीं मारते नहीं है लेकिन बच्चे हैं वो डिस्टर्ब करते हैं तंग करते हैं तो उसको फिर हैंडल कर लेते हैं जी डांटी टीचर हो या प्यार करने वाली और सॉफ्ट हार्टेड हूं बिल्कुल नहीं डांटती नहीं हूं ए ते अपने मुंह आप भी तारीफ करी जा रहे हो पूछ सकती है हां मुझे से पूछ सकती है अच्छा सही ते तुसी लाइफ दे विच टीचर ही बनना चाहंदे सी हां टीचर ही
था कि... और क्वेश्चन इसे पढ़ना चाहूंगे और था लेकिन फिर टीचर की तरफ ही आ गए। चलो मेरे सवाल का जवाब तुझे देना वा तो दसना किरी शै वा जड़ी असि बोंदे भी नहीं लेकिन वड़दे हां अमल नहीं नहीं अमल नहीं है जो हम बोते हैं और काटते नहीं एडी दूर चले गए एडे सीरियस सवाल नहीं मैं करते करती अच्छा और क्या हो सकता है जो हम बोते नहीं लेकिन काटते हैं नहीं आता नहीं पता तुसी दसो कागज नहीं नहीं खाने वाली चीज है या कुछ इस तरह हिंट दवा इंसान दे अपने अंदर आ इंसान के अपने अंदर है नाखून नहीं बाल हाँ बाल हाँ जी चलो एक और सवाल थोड़े सामने तीन कप है ना चीनी है ठीक है तुसी एक चुक लिया बाकी थोड़े को किन्ने कप रह गए बाकी तीन ही रहेंगे क्योंकि एक तो हमारे पास ही है ना नहीं चुकिया नहीं तुस हाँ तो उठा लिया लेकिन तीन ही रहेंगे आए नहीं तीन ही रहेंगे एक कप में एक ही रहेगा कैंच क्योंकि एक हमारे पास होगा बाकी तीन में टोटल चीनी है तुझे दसो एक तो साढ़े को लेना ते दो बाकी बच्चे ने ते एक असी और कर लिया ते एक ही बच्चा ना बच्चा नहीं तीन कप सामने वे ठीक है और ना जो तुसी एक चुक लिया ते बाकी थोड़े को किन्ने रह गए एक ही बचेगा कैंच इसे तुसी पहले समझाया ना ऑन जी नहीं सही मेरे ख्याल से ऐसे ही है एक हमने उठा लिया बाकी दो टेबल पे पड़े हुए थे इसलिए वो हमारे तो नहीं है ना हाँ इन्होंने सही एक्सप्लेन किया अच्छा कुछ सुनाना चाहते हो कोई शेर व शायरी आते हो थोनों शेर व शायरी का शौक है सब जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है मोहसिन सब जुर्म मेरी ज़ात से मंसूब है मोहसिन क्या मेरे सिवा इस शहर में मासूम है सारे वाह थोनों आंदी शेर व शायरी मुझे शेर व शायरी का शौक नहीं है थोनों क्यों शौक है मुझे बचपन से शौक है एक्चुअली मेरी जो वालदा है उनको बहुत शौक था शेर व शायरी का अच्छा मेरे पल्ले पुल्ले नहीं पैंदी शेर व शायरी मेरे तो उत्तों ही लंघ जांदी है हां जी शौक की बात होती है ना बहुत चलो थानू असी गिफ्ट दिंदे हां स्मार्ट कट सैलून वाले तुसी जाओगे 30% डिस्काउंट मिलेगा कुछ भी करवाओ बालों नु स्किन नु अच्छा लो सीधा डिस्काउंट फिर भी मिल ही जाना सी उन्हां नु ते की करवाना चाहंदे हो असी तुसी फेस कई कुछ करवाएंगे फेशियल या कुछ इस तरह मैं कहती हूं अद्दा दमू करा ली ठीक है दोनों ने एक च भुगताना ना जिस दा एक गिफ्ट च अपने भरा ने दोनों भुगता रही हां चलो शुक्रिया जी नाजरीन अब वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का आपने कहीं नहीं जाना मैं जल्दी वापस आऊंगी वेलकम बैक नाजरीन ब्रेक से है मैं वापस आ चुकी हूँ चलो चलिए लोग आवाज सवाल कर दें मैं क्या कल्ला क्यों कह दिया करो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम की करना है तुसी इत्थे खाना खाना है जे किरे नाल सहेली नाल क्या सहेली नाल पहले ही साथ नाल सहेलियां नाल एक वनी ये पाई ले आया तीन चार ले आया नाल सहेलियां नाल अच्छा सहेलियां नाल की खान वास्ते आ गए तुसी जेड़ी शै लब्बे मतलब टिश्यू लब्बन छड्या या खाना लब्बे खान वाली शै छड्या होया लोका दा ना अच्छा इन्ना साजदा आज के क्यों सजने धजने की कोई खास वजह तो नहीं थी वैसे ही बस आए वैसे बाहर खाना खा लें तो बस मनु की लगदा पेंट कोट पा के तुसी मम्मी डैडी टाइप लगना नहीं मम्मी डैडी के साथ क्या ताल्लुक है पेंट कोट का बचपन में स्लाइड से गिर गया था उसके बाद एक दांत है ही नहीं 31 दांत है दांत नहीं है मैं सुनया सी विरलो होवे ना खुशकिस्मत इंसान हुंदा लेकिन ये कसमे मुंह नहीं लगे मेनू खुशकिस्मत पता नहीं ये तो मुझे भी नहीं पता खुशकिस्मती होती क्या है अच्छा काम की कर दे तू पढ़ाई चल रही है आजकल तो पढ़ाई पढ़ दे डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी डीपीटी क्या कह लगे मैं मैसेज मूसेज पढ़ लेंदा कुड़ियां दे बस इतना पढ़ लिया काफी है नहीं नहीं पढ़ाई च पेंदा कुछ
जी कुछ की कर दें इसमें दवाइयों से मरीज को दूर लेके जाते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लेके आते हैं। तो डॉक्टर फिजिकल थेरेपी नाम बताता है कि आपने फिजिकल फिटनेस और इस सब को आपने ध्यान में रखना है। मतलब बगैर मेडिसिन तो भी सोना हो जंदा वा। सोने होने का इलाज तो अब मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये है कि फिजिकल थेरेपी की अगर आप बात करेंगे तो मैं उसके बारे में बता सकता। नहीं कि डीपीटी वाले डॉक्टर आकस्मे ना इन्हें कुछ नहीं पता है ना सोना ही कर सकते किसी को ना लेना ना देना ਕਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਨੇ ਕਰਦੇ ਕੋਸਮੈਟਿਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਸ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਜੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆ ਸੋਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੁਸਨ ਕੁਝ ਮਿੰਟੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 22-23 ਕੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ उस दिन कुछ टाइम का होता है वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बाद बुढ़ापे में जब जरूरत पड़ेगी तो तब पता लगेगा डीपीडी क्या होता है। 22-23 साल तो बाद बुढ़ापा जंदा वा 25-26 जो आजकल हालात चल रहे हैं जरा बराबर एक्टिविटीज नहीं है 25-26 के बाद तो बुढ़ापा आ जाएगा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਲ ਦਾ ਸੋਹਰਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ 8 ਲੋਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਿਖੋ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ ਯਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਈ ਸਵਾਲ ਵਾਲ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਆਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸਕਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹਾਰ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਚਲੋ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੋ ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਤਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਨੇਣਾ ਖਈਓ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਾਉਂ ਔਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਲਦਾ ਬਾਤ ਹੈ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸ਼ੇਅਰ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਆ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਸ ਜੋ ਹੈ ਬੱਚੀ ਬੱਚੀ ਬੁੱਚੀ ਲੱਗੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲ ਰਹੇ ਬੱਚੀ ਬੁੱਚੀ ਬੱਚੀ ਕੁੱਚੀ ਅੱਛਾ ਬੱਚੀ ਕੁੱਚੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਕੀ ਕਰਨ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ उर्दू पंजाबी जो जी करदा बोलो हम लोग यहाँ पे अपने हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेट करने आए हैं हम लोग किन्ने का फैमिली बंदे दी सालगिरह याद रहंदी है याद रहंदी बिल्कुल रहंदी कितने साल हो गए ब्याह नु 11 इयर्स 11 साल बाद भी याद रहंदी है भूल नहीं देते ओना नु याद रहंदी थोड़ी सालगिरह हाँ बिल्कुल जाती है बिल्कुल जाती है। अच्छा की मतलब तुसी महंगा तोहफा दिंदे आ या तुहाडे हस्बैंड थानू महंगा दिंदे तोहफा वैसे ज्यादातर मैं ही महंगा देती हूँ बंदे होंदे कंजू शेख ते हां लगता है ले शाक जी ने अपने बंदे लेके नहीं वैसे सही दसो शेख वाली कर जाते हैं गिफ्ट के की कास्ट रहना दे ये एक हाशमी कुरैशी है वैसे अच्छा ओह नहीं मैंने पता कौन होंगे लेकिन होंगे होने वधिया ही अच्छा शेख आली आदत तंग नहीं आते तुसी उन्हां कोलो नहीं नहीं तंग नहीं आती आदत हो गई है आदत हो गई है शॉपिंग करा देंदे खुली शॉपिंग के पैसे दे देते खुद नहीं कराते ला देंदे ना के बस थोड़े के पैसे है जी बस और जो लेना ले आओ किन्ने थोड़े न्याने 3 माशाल्लाह 3 न्याने हो गए चलो मेरे सवाल का जवाब देना ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਵੱਢਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਲਨ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਰਤੀ ਹੂੰ ਮੈਂ ਢੂੰਡ ਰਹੀ ਹੂੰ ਯਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ
आ वड़ी दी है लेकिन दंदी नहीं है। मिनालन बताएं क्या हो सकती है। सोचती ने घर पहुंच जाना, जवाब नहीं देना। करती के तुसी की कर दे हो। मैं सुबह जब उठूं पहले तो दूध जो भी नाश्ता, उसके बाद भी टीचर आ जाती है, टीचर से पढ़ती हूँ, टीचर से पढ़ के थोड़ा बहुत खेल लेती हूँ। पंजाबी आती थोनू? पंजाबी कोशिश करो पंजाबी बोलन। पंजाबी बोलन दी। स्कूल जाते हो? कुट दी है ना, ना। लाइक हो तुसी? मैं कंज मान लवा। जवाब तो आया नहीं है। आप कोई भी पढ़ने वाली चीज पूछ लो। अच्छा, मम्मा ज्यादा प्यार करते या पापा? मम्मा। क्यों? पापा नहीं करते प्यार? मामा के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड होता है इसी वजह से। थोनू कौन पसंद, मम्मा या पापा? मामा। पापा। पापा पापा चुंडियां तो नहीं वटदे? नहीं वटदे है। नहीं क्यों नहीं पसंद? वजह ये है क्योंकि बाबा इतना टाइम स्पेंड नहीं करते साथ। जरा ये टाइम स्पेंड करे ना, संडे का डे होता बस करता, फिर हाफ डे स्पेंड करता, हाफ नहीं। सांदा पापा ते ग्रास आती है, उसे हम बीजते नहीं है लेकिन काटते हैं, है ना? नहीं नहीं ग्रास को हम बीजते नहीं है। ओनू भी तो उगांदे है ते उगदी है ना किते, तो खुद से पौधे कुछ उग जाते हैं। नहीं थोड़ा हिंट दे। तुझको मैं हार गई बस। नाले हार गई, दूसरा पूछा करते हो। अच्छा एक शेख साहब, आज मेरा गला गया। एक शेख साहब उन्होंने छे धियां वा, तो छे जड़ियाँ भैन वा ना उन्होंने एक एक भरा छिया का, तो टोटल किन्ने लोग होए? चली जा चली जा, तू गुमराह कर रही है। आप ही जवाब दस रही, चली जा तू। हाँ, किन्ने टोटल लोग होए? एक कहें इन्ने बड़े शेख उन्होंने तुम भुल गए और छे धियां भुल गए हैं, एक ही याद है? नहीं भाई एक ही है ना। टोटल दसने किन्ने लोग? छे बहने छे बेटियां। नहीं, एक शेख साहब छे धियां उन्होंने एक एक भरा, टोटल किन्ने लोग हो? 8-9 बन रहे हैं ये तो। छह बेटियां, सातवां बाप और एक एक पैना दा एक एक भरा। ए नहीं नहीं, सात ही बन रहे हैं ना। सिक्सो सिस्टर सेवन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तुसी को मैं हार गई। हाँ हार गई, दोनों का आंसर दिया मुझे। अच्छा तुसी थोन गुस्सा आंदा ते तुसी किंज बंदे ते गुस्सा काढ़ दे हो? उमर वो पूछ रहे गुस्सा आता कैसे निकालती, बता दो। जी जी बस थोड़ा बहुत दस दो सच। डांट के पापा ने कुटते नहीं पेंदी? नहीं कभी नहीं कुटिया। नहीं कोट ने ना कुटिया हो? नहीं हम तो सामने रहते हैं। थानू कभी कोट ने ना कुट पई? कभी भी इतनी नहीं। इतनी नहीं पर पई है। ज्यादा कौन तंग करता दोनों विचों? भाई ने गेम चलो जी तुसी सुनाओ। हस्बीर भी चलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बहुत वधिया माशाल्लाह बहुत वधिया सुनाया लेकिन मैं थोड़ी मम्मा नु गिफ्ट देना नहीं सी थोड़ी वजह तो देना अच्छा आपकी मर्जी है आपकी मर्जी हां थोड़ी मर्जी देना दे दो सैलून जानते होंगे तुसी जी सैलून जानते हो तुसी की करवांदा ज्यादा शौक है थोनू सब कुछ ही मेकअप पार्टी मेकअप वगैरह शादियों की तो जेड़ा महंगा काम है ना बालों का होता है स्ट्रिकिंग वगैरह स्मार्ट कट सैलून वाले यार ठीक है तुसी इत्थे जाओगे 30% डिस्काउंट मिलेगा कुछ भी करवाओ कैरेटिन करवा लो स्टिकिंग करवा लो कुछ भी करवा लो ठीक है ठीक है थैंक यू अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम की करना है तुसी इत्थे मैं तो इधर एक इवेंट के लिए आया हूं इवेंट ते की करना सी इवेंट कैमरा ऑपरेटिंग फोटो खींचना है फोटोग्राफ सी ज्यादा कुड़ियां दी खिचियां या मुंडिया दी मैं वेडिंग्स करता हूं ज्यादातर वेडिंग्स ध्यान किधर हुंदा कुड़ियां वाले हुंदा मुंडिया वाले मेरे लिए ये सारे सब्जेक्ट है चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो सब्जेक्ट है कभी होया थानू ये कोई कुड़ी एड्डी सोनी लगी होवे तुसी 20 30 इको दियां खिचदियां तस्वीरें 20 30 नहीं मैं तो सैकड़ों के हिसाब से तस्वीरें बनती है 7-800 तस्वीर एक दिन में बन जाती है मतलब तुसी उच्चे लेवल दे ठरकी हो नहीं ये नहीं मेरा तो काम है ना मैं तो कैमरा ऑपरेटिंग करता हूं फोटोग्राफर हूं काम सिर्फ काम है जस्ट अच्छा ज्यादातर मतलब कैमरामैन जो तो जांदे ब्याहवां ते ते फोकस किस शय ते हुंदा वा वेडिंग्स में तो ज्यादातर कपल पे वेडिंग शूट्स में ब्राइड है और जो है ग्रूम है उसके अलावा पूरी फैमिली होती है हमारी जे दुल्हन सोनी ना होवे और भैन बहुत ही सोनी होवे फिर जिसने पैसे देने हैं उस हमें तो वही फैमिली का कोई पार नहीं सोने पंदा नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है यूज्ड टू है माशाल्लाह से इतने साल हो गए हैं काम करते हुए हमें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी कैसा है हमें तो सिर्फ अपने काम से करते हैं आप सिर्फ ब्याहवां ते जांदे या इवेंट ते जांदे खांदे पींदे कुछ नहीं अब वो इतना चार्म नहीं रहा ना क्योंकि डेली अब माशाल्लाह से पिछले 10 दिनों से मैं डेली कर रहा हूँ एड्डे सुखे क्यों आज से मेरी फिजिक्स ही ऐसी टैंकी ना ग्लास लग रहे हैं लड़कियों नहीं क्यों थोड़ा सेहतमंद होना चाहिए वा मेरी पूरी फैमिली ऐसी है तो मैं अब नहीं हूँ तो नहीं या मैं मोटी या है नहीं बस ठीक है हर बंदे की अपनी एक फिजिक्स होती है तो मैं ऐसा हूँ मुझे शुक्र अल्लाह का सी अगे ये कहना सी नहीं नहीं तुसी भी स्मार्ट आ दिल्ली तोड़ता मेरी फील्ड मैंने आपको बताया ना मुझे मैं थोड़ा सा अपनी फील्ड के हवाले से हूँ ना तो मैंने तो उस हिसाब से काम करना अच्छा चलो सवाल का जवाब देना थोड़े को 3 कप चीनी दे पे आ एक चुक लिया बाकी किन्ने थोड़े को रह गए चीनी दे 3 कप पे ने एक चुक लिया बाकी 2 ही होंगे नहीं कॉमन सेंस तो यही कहती है आगे पता नहीं क्या है तुसी एक चीनी दा कप चुक लिया तिन्ना विचो बाकी किन्ने रह गए थोड़े को चीनी दा कप उठा लिया तो बाकी 2 ही ने ना नहीं 2 नहीं उसी को मैं हार गया इस हिसाब से तो हार गया चलो एक और सवाल तुसी दसना वा कि ओ किदी शैवा जी नु पुट्ठा लिखिए सीधा लिखिए ओ सेम ही बंदा खाने वाली खाने वाली शैवा चलो अभी तक तो मेरी जेब में कुछ ऐसा नहीं आ रहा कुछ नहीं आ रहा बस अंदर बैठिया कुड़ियां आ रही हैं ज़ेन विच ਤੁਹਾਡੇ नहीं नहीं मैं तो इवेंट के लिए आया हूं वो सारी फैमिली होगी बर्थडे का इवेंट है उसमें तो कोई ऐसा मसला नहीं है तब ब्याह है जी माशाल्लाह मेरी शादी अच्छा कितने साल हो गए ब्याह नु यकीन नहीं आएगा आपको नहीं मैं कोशिश करूंगी कल मेरी शादी को 24 साल हो जाए कसीटे आ ओंजी कसीटे 24 साल एक बुड्ढी ना जिंदगी गुजार देना लड़ाई वगैरह तो नहीं करती बुड्ढी सारा कुछ चलता डाडी आ नहीं नहीं ठीक है सब बुड्ढी डाडी है तो कही जा रहे नहीं नहीं कुड़ियां वाल बिल्कुल नहीं ध्यान नहीं है लागे अंदर मेनु पता पूरे ही आ नहीं नहीं रूटीन है सॉरी रूटीन है अच्छा जो बुड्ढी रोज दी केंच बनांदे हो तुसी कोई ऐसा खास टोटका नहीं है बस ठीक है ਮੰਦੀ ਆ ਮੰਨ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ 20 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਕੱਲ 24 ਤਰੀਕ ਹੈ ਕੱਲ 24 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ
वो भी मेरे जैसी नॉर्मल से मिडिल क्लास से हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। सेलिब्रेट ही नहीं कर दे? बिल्कुल भी नहीं। हादसा याद ही नहीं आता? नहीं, हादसा नहीं है, एक अच्छा है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि, क्योंकि मेरी इवेंट्स करते करते अब वो सेलिब्रेट करना कुछ इतना नहीं है, बस ठीक है, डेली शादी। अच्छा, वक्त दे नाल नाल प्यार घटता या वधता? डिपेंड करता है कि हालात कैसे हैं, हालात के ऊपर है। मैं तो इसको यही कहूँगा, मतलब पैसा बंदे का हो फिर प्यार आंदा हो? नहीं, अगर तो आपके फाइनेंशियली हालात ठीक हैं तो फिर लाइफ ज़रा ज़्यादा बेहतर होती है। और अगर बुढ़ी जहर लगती है? नहीं, वो नहीं, आजकल के जो जहर लगता। अब ये 3 साल से जो बेड़ा गर्क हुआ हुआ मुल्क का, हर बंदा परेशान है, तो इस दौरान ज़रा ज़्यादा परेशानी है। जब लाइफ में परेशानियाँ होंगी तो ऑटोमेटिकली आपकी पर्सनल लाइफ में भी उस चीज़ का इफेक्ट होगा, तो यही सारी चीज़ें हैं। चलो शुक्रिया, वधिया गया जी। नाजरीन, अब वक्त हो गया छोटी सी ब्रेक का, तुसी कितने जाना इतने रही हो, मैं जल्दी वापस आऊँगी। वेलकम बैक नाजरीन, ब्रेक से मैं वापस आ चुकी हूँ। चलो चलिए लोगावाल ते पास सवाल कर दे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की करन है तुसी इत्थे? हमारी इधर बैच पार्टी है तो हम इसलिए आए हैं। की पार्टी? बैच पार्टी है हमारी यूनिवर्सिटी की। और च की हुंदा वा? जी, और च की हुंदा? उसमें सॉन्ग्स हैं और मिमिक्री है और इस तरह से पोइट्री है और इस तरह। और बाद में कितनी बारी महीने च पार्टियाँ हजियाँ कर दे? नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी ऐसी कोई पार्टीज अरेंज नहीं करता, इसीलिए हम लोग मेजोरिटी खुद ही कर लेते हैं। तो महीने में कोई नहीं, आई गेस 1 ईयर बाद, 1 साल बाद। 1 साल बाद उतना खर्चा हो जाता? नहीं नहीं इतना खर्चा तो नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा डिस्टेंस के बाद ही करते हैं। घर वाले पता? हाँ जी पता है। पता है घर वालों को? ठीक है। अच्छा, पढ़ दे उसे? हाँ जी, यूनिवर्सिटी पढ़ दे। हम लोग डॉक्टर बन रहे हैं, यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं। किरी डॉक्टर बनना चाहते हो? हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट बन रहे हैं। वो की कर दे? फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है। काम की आंदा था? जब आप किसी भी चीज़ से बीमार हो के या फिर आपकी कहीं ना कहीं पैरालिसिस हो जाती है या टांग या बाजू टूट जाता है, अल्फाज आसान अल्फाज में बताऊँगी, तो उसको जोड़ने में मदद करते हैं। मार हो ना कहीं टूटा था वा? कहीं एक्सीडेंट वगैरह से तो टूट सकता है ना। और जी मतलब हाथ पैर जिन्ना दे काम ना करन वो भी कर दे? जी बिल्कुल, उनका भी करते हैं। जिश करवांदे हो? जी, उनकी फिजिकल एक्सरसाइजेस भी होती हैं और साथ में इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू भी होता है, मशीन के थ्रू भी उनका ट्रीटमेंट होता है। अच्छा, चलो मेरे सवाल का जवाब देना, तुम दसना वा कि थोड़े को 3 चीनी दे कप और ना जो 1 चुक लिया, बाकी थोड़े को किन्ने रह गए? एक किसने उठा लिया? तुसी होर किन्ने? मेरे पास 3 है और 1 मैंने उठा लिया, तो 3 ही रह जाएंगे। नहीं सोचो। 3 कप मेरे पास है और मैंने 1 उठा लिया है। थोड़े सामने 3 कप पे चीनी दे, 1 तुसी चुक लिया, बाकी थोड़े को किन्ने रह गए? मेरे पास तो 1 ही है जो मैंने उठाया है। हैगा वो दिमाग, हैगा डॉक्टर को? अच्छा, तुसी शुरू तो डॉक्टर बनना चाहते सी या कोई होर शौक सी? नहीं, ये डॉक्टर ही बनना चाहती थी शुरू से। मैनू पहले ये दसो, तुसी एडे सुक्के क्यों हो? मैं बस बचपन से ऐसी हूँ। की खांदे हैं? खाना धक्के ठुड्डे टिश्यू पेपर इंज? ऐसा कुछ नहीं खाती, खाना ही खाती हूँ, लेकिन बस शुरू से ऐसा ही वेट है। लगता नहीं? हाँ लगता नहीं। रब्बा मैनू इन्ना क्यों लगता, मैं इन्ना खाते भी नहीं लगता बहुता, मैं मोटी हो ही जाती हाँ। अच्छा, तुसी डॉक्टर हो, तुसी मैं दसो कि स्मार्ट होने वास्ते की करना चाहिए? पहली बात तो मैं इस चीज़ की डॉक्टर नहीं बन रही कि मैं आपको ये बता सकूँ, लेकिन मेरे ख्याल से नॉर्मल डाइट लेनी चाहिए और इसके साथ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। डॉक्टर का आधा हर शहर का पता होना चाहिए थोनू? अभी तो हम पढ़ रहे हैं, जब हम बन जाएंगे फिर हम आपको बता सकते हैं। कितने साल हो गए? हमारे 5 साल हैं जिसमें से 2 गुजरे हैं। तीन हले पे है। चलो एक और सवाल, तुम दसना वा कि वो कि खाने वाली शह वा जिनू पुठा लिखिए सीधा लिखिए वो एक जैसा ही रहा? इसको उल्टा लिखिए और सीधा लिखिए एक जैसा ही होता है? पता नहीं। जो कि शह हो सकता? पता नहीं।
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਈ। ਕੁਛ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਗਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਹੌਸਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਕੱਢ ਲੈ। ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰੀਏ ਦੇ ਤਾ ਸੀ, ਆ ਹਥਿਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨੀ ਮੈਂ ਗਿਫਟ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਦੇਣੇ। ਸੈਲੋਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਕਭੀ ਕਭੀ। ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਾ? ਹੇਅਰ ਕੱਟ ਕਰਵਾਉਣੇ। ਸਮਾਰਟ ਕੱਟ ਸੈਲੋਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, 30% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਨੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫਾ ਸੁਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਫ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ ਨਾ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਦੂ ਆ, ਆਖਿਰ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਐਸਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ? ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਠੀਕ ਠਾਕ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਫ ਹੋ ਇੱਥੇ ਦੇ? ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਫੱਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਾਣੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਬੰਦਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖਾਣੇ ਦੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋੜ ਆਫ ਫੂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਬਸ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਆ? ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਪਲੇਟਰ ਹੈਗਾ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਵੀ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨਿਊ ਦਿੱਤਾ, ਫਾਸਟ ਫੂਡ, ਪੀਜ਼ਾ, ਮੁਕੰਮਲ ਠੀਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਬਸ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਲੋਰਡ ਆਫ ਫੂਡ 'ਤੇ, ਓਪਨਿੰਗ ਹੀ ਕਰਵਾਈ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਸਟਮਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇੰਝ ਬਾਲ ਸਿੱਟ ਤਾਂ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ? ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਸਟੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਵੇਟਰ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੈਪਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੁਦਰਤ, ਕਈ ਦਫਾ ਤੇ ਸੀੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਮੱਖੀ ਨਿਕਲੀ ਖਾਣੇ 'ਚ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਸ਼ਹਿਦ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ? ਸੱਚੀ, ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸ਼ਹਿਦ, ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਭਈਆ, ਸ਼ਹਿਦ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਥੱਲੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੈਫ ਮਤਲਬ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਕੰਮ, ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ 96 ਦਾ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਲਪਰ, ਕੁੱਕ, ਫਿਰ ਸੌਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਦਾ? ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੈਫ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੈਫ ਬਣਨਾ। ਬਸ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਕਰਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਂਚੇ ਇੰਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਕ ਇੰਝ ਕਰਦਾ? ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮਾਇਕ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਖਾਣਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ? ਚਲੋ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਲੋਟ ਆਫ ਫੂਡ ਆਈ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਜ਼ਰਾ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਲੰਡੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਲੰਡਾ ਨਾ ਲੋਰਦਾ ਇੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਵੀ ਆ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਸਵਾਲ ਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ 3 ਕੱਪੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਚੀਨੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈਅ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬੋਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵਾ ਬਾਲ। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 6 ਬੇਟੀਆਂ ਅਤੇ 6ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ 8। ਅਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੇਰਾ ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਵਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੋ, ਪੁੱਠਾ ਲਿਖੋ, ਅਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਬਣਦਾ ਉਹ ਨਾਨ? ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ,
अज गला नहीं साथ दे रहा, जल्दी मुलाकात होएगी, दुआ कर दियो मैं ठीक हो जा जल्द तो जल्द, तो नवी जगह नवे सवाल नवी जुगत थोड़ी खिदमत दोबारा हाजिर होवगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।